हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज एक बुक को रिव्यू करने वाले हैं। डी फार्मा एग्जिस्ट एग्जामिनेशन किट, 5000+ एमसीक्यूज हैं इसके अंदर। तो एक्चुअल में ये बुक फार्मेसी की हुए बंदों के लिए है, जिन बच्चों ने यहाँ पे फार्मेसी कंप्लीट कर ली है, तो उनको जो सर्टिफिकेट लाइसेंस मिलता है वो उस टेस्ट को देने के बाद मिलेगा। इसमें ऐसी कुछ न्यूज है, तो रीड टू लीड और यहाँ पे ठाकुर पब्लिकेशन के द्वारा लिखी हुई है। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट आपने पढ़े थे ना, सारे के सारे फार्मेसी के अंदर, वो यहाँ पे इस वन बुक में कंप्लीट कंपाइल करके दे रखा है। कंपाइलेशन है ये बुक का, और ये PCI के सिलेबस पर कम्प्लीटली आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस बुक में आकर क्या क्या दिया हुआ है। तो डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन किट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बेस्ड ऑन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, प्रूडेंस, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। तो ये सभी सब्जेक्ट्स में दिए हुए हैं। और साइड व्यू कुछ इस प्रकार का है और बैक व्यू कुछ इस प्रकार का है। और इस बुक को आपको क्यों परचेज करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये कम्प्लीटली कंपाइल्ड बुक है। और इसमें आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, 340 रुपीज़ इसका प्राइस है। और इसमें कुछ अन्य डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस बुक्स के जो यहाँ पे फीचर्स हैं वो है, बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन सिलेबस प्रिसाइज्ड बाई PCI, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप रिलेटेड MCQs एट द एंड ऑफ ईच टॉपिक, आंसर ऑफ ऑल द MCQs आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, चैप्टर मोर देन 5000 MCQs इन दिस बुक। तो ये सब कुछ है इसके अंदर। आप जैसे इस बुक को कवर कर लेते हैं तो जो एग्ज़ाम होगा आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं, ऐसी न्यूज है एक्चुअल में। और पता नहीं, और ये बुक अभी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन यहाँ से मंगा ली है, कुछ बच्चे और ने मंगा ली है। तो यहाँ पे इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या है इस बुक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स फार्मास्यूटिक्स के अंदर, और आप इसका कंप्लीट मटेरियल यहाँ से इस वीडियो में देख सकते हो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आप बुक पढ़ के भी काम चला सकते हो, परंतु इसमें ऑप्शन टाइप दे रखे हैं, जो कि एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। यहाँ पे और कुछ सिलेबस देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। आई होप यू आर इन्जॉइंग दिस वीडियो। और ये वन बाय वन आपको सारे चैप्टर्स इसमें देखे जाएंगे, सारे बुक के क्वेश्चंस इसमें एक में ही कंपाइल करके दे रखे हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि फार्मास्यूटिक्स के कुछ क्वेश्चंस कैसे किस प्रकार से दे रखे हैं। तो क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल, फिजिकल स्टेट, रूटीन, यानी कि एग्जाम जो आपके बुक है, बुक में जो चैप्टर है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ की टर्म्स दी हुई हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाती है कि बुक्स जो हमारा चैप्टर है वो किस रिलेटेड है, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही। यहाँ मेट्रोलॉजी, और ये वन बाय वन आप देख सकते हो कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। वैसे मैंने आपको दिखा दिया है सारी बुक के जितने भी चैप्टर्स हमने डी फार्मा में पढ़े थे वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं। वन बाय वन हम देखते हैं सभी चीज। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वन। एक्चुअल में मेरा मोटिव इस बुक को दिखाने की यही है कि उन बच्चों को पता चल जाए कि ये बुक आ चुकी है मार्केट में और आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो अमेजन और शायद फ्लिपकार्ट पे नहीं है, ये अमेजन से ही मंगाई है मैंने, तो फ्लिपकार्ट पे नहीं थी अभी, होगी भी तो मैंने तो केवल अमेजन से मंगाई है। और यहाँ पे सब कुछ कंटेंट आप इजीली देख सकते हो किस प्रकार की क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी तो सही है, काम चला हुआ है और ब्लैक एंड वाइट ही है। विटामिन्स, इसके बाद एंड में आ जाते हैं फ्रेंड्स कि बुक में एंड में क्या है, क्योंकि कम्प्लीटली क्वेश्चन ही दिए हुए हैं हर तरीका के, लॉज वगैरह से रिलेटेड, ड्रग हाउस मैनेजमेंट कैसे कैसे मैनेज करते हैं, मतलब कंप्लीट प्रोसेस जो भी आपने बुक्स के थ्रू पढ़ा था। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप परचेज ना करें, बुक हैं आपके पास तो आप पढ़ सकते हैं।
परंतु अगर आपको एक कंपाइल चाहिए तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी आई थिंक। यू शुड बाय दिस और आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना था ही, और मुझे बस केवल ये जानकारी देनी थी कि ये बुक अवेलेबल हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स इसीलिए यहाँ से बनाया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।